मैं ना स्पेशल चीज़ आपको दिखाने के लिए ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। अभी यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब मैं फटाक से शूट कर लूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा जल्दी चालू हो रहा है मैंने अभी एक जस्ट ब्लॉग एंड किया एंड अभी मैंने एक ब्लॉग चालू कर दिया। एंड मैं कुछ आपको एकदम खास चीज़, मतलब ना स्पेशल चीज़ आपको दिखाने के लिए ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। ऐसे तो निकलता नहीं है, वो तो डैडी ने मेरे शूट के लिए निकलवाया है सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी सॉफ्ट होती है ना कि एक बार गई अंदर डब्बे के अंदर तो फिर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से हमने निकाला है, एक आधा तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया, बट जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है एंड आप देखना क्या चीज़ है। दिखा देख रहे हो, ये जो सारी चीज़ें हैं कुछ प्लास्टिक के लग रहे देंगे, कुछ थर्माकोल के लग रहे देंगे, बट ऐसा नहीं, ये सारे स्वीट्स हैं। ओह माय गॉड, वाओ, एंड टोटल स्वीट्स से ऑल ईटेबल है, 100% ईटेबल है, 100% विद ईटेबल कलर्स एंड विद ईटेबल वर्क टोटल। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे शॉप पे ही बनती हैं। तो था होगा किसी का ऑर्डर तो वो बना के लाए डैडी ने, तो मैंने बोला कि एक बार दिखा दो मेरे ऑडियंस को भी, मैं दिखा दूँ। तो मैं खाली ये दिखाने के लिए रात को 2 बजे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो बस एक और बारी आप एक और नज़र डाल दो, मैं सिनेमैटिक शॉट्स दिखा देता हूँ आपको, आप देख लेना क्या शॉट है। Next morning. Okay, so good morning guys. Welcome back to the channel once again. जैसे आपको पता ही है कि ये ब्लॉग मैंने कल रात को ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे आपको वो चीज़ दिखानी थी जो फ्रूट्स वगैरह दिखाना था जो मेरे शॉप पे बनता है, मुझे आपको दिखाना था। तो मैंने इसके लिए कल रात को ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था एंड आपने देखा बहुत सारी चीज़ें कितनी रियलिस्टिक थी एंड वो सारी चीज़ें 100% ईटेबल थी। जो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई ना, वो टोटल कोई भी एक अगर आप पीस आपको खाओगे ना तो टोटल ईटेबल है एंड सेफ है सब चीज़, एंड ईटेबल कलर के साथ, ईटेबल वर्क के साथ। आप लोगों को पसंद आया होगा वो सारा, वो सारी जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई वो डैडी, मेरे डैडी खुद अपने हाथ से बनाते हैं, उसका कोई भी साँचा नहीं होता, खुद हाथ से बनाते हैं मेरे डैडी। एंड ये मेरे डैडी की सबसे खास चीज़ है ये वाली। उठ गया हूँ गाइस, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मतलब आज थोड़े से काम में बाहर जाना, मेरे को आज आपकी लोकेशन कवर करने के लिए जाने का आज, तो इस वजह से मैं सवेरे मॉर्निंग में जल्दी उठ गया हूँ ताकि मेरा काम वगैरह सब हो जाए, एडिटिंग वगैरह सब कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे आते आते फिर लेट होगा शाम को। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो नहीं आए, मतलब मेरी वीडियो लेट हो जाए, नहीं आए उस वजह से। तो आज हम एक इन्फिनिटी रूम टाइप करके है बैंड्रा BKC में, उसका प्रॉपर जो डिटेल है वो मुझे पता नहीं है, वो मैं डिटेल आपको दूंगा, क्योंकि ऐसी चीज़ है ना कि वो एक्चुअली मुझे मेरे एक फ्रेंड ने भेजा था वो चीज़ की, ये एक चीज़ है जो तो कवर कर सकता है, मतलब अच्छी चीज़ है, एक्साइटिंग चीज़ है, या लोगों को पसंद आएगी ये देखने के लिए। तो आई वॉज लाइक अरे हाँ यार, ये तो बहुत ज़्यादा, मैंने जब देखा तो मैं भी आई वॉज लाइक ओ वाओ व्हाट इज़ दिस, तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई।
तो मुझे वो चीज़ देखनी आनी है। एंड आई मुझे ये है कि आप लोग भी वो चीज़ देखो कि वो क्या है। इन्फिनिटी रूम करके है एक बैंड्रा BKC में एक लोकेशन। तो अब वो अंदर का सिस्टम क्या है क्या नहीं वो तो पता नहीं, बट टिकट्स वगैरह जो हैं उसमें बुक माई शो पे पहले ही बुक होती है। तो वो बुक माई शो पे मैंने कल ही मैंने बुकिंग कर ली थी। तो आज मैं वो चीज़ कवर करने के लिए जा रहा हूँ। आज एडिटिंग वगैरह ख़त्म हो गई है एंड अपलोडिंग पे भी लगा दी एंड वीडियो अपलोड भी हो गई है, ऑन एयर हो जाएगी 7 बजे, तो कोई मसला नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, जाके फ्रेश वगैरह होता हूँ एंड निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइम लिमिट वगैरह है एंड वहाँ पे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि नई नई चीज़ है ना अपने लिए एंड अपन ने देखी नहीं है वो सारी चीज़ें। तो देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा क्या है क्या नहीं सब। तो Not allowed? The guy knows that road. अच्छा यहाँ allowed नहीं? Okay fine. एक फ्रेंड ने मुझे भेजा हुआ था उसका मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे रील, तो मुझे याद था कि हाँ मुझे यहाँ पे भी जाना है। तो उसकी जो टिकट वगैरह है जो है मैंने कल बुकिंग कर ली थी एंड अभी खाली हमें इन्फिनिटी रूम वगैरह देखना है। तो यहाँ पे है इन्फिनिटी रूम और यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी लगा था जो कल ख़त्म हो चुका है, मतलब कल ही ख़त्म हो गया एंड हम थोड़ा सा लेट हो गए उस चीज़ के लिए। तो अभी जो छोटे छोटे आपको जो क्लिप दिखाई ना रेड कलर की कार एंड ऑल वगैरह सब सारी चीज़ें, तो ये सारी क्लिप यहीं की है एग्जीबिशन की। तो एग्जीबिशन आधा ख़त्म हो गया, आधे जो मतलब वाइंड अप करते ना तो वो वाइंड अप वगैरह है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको कुछ शूट करके दिखा सकते दिखाते। अभी यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं सोचा कि मैं फटाक से शूट कर लूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो आपने रेड कलर की कार देखी होगी, फोटो में तो इतना जस्टिस नहीं कर रहेगा, बट क्या कार है डूब, वो क्या कार है भाई। मैं इतना कार वगैरह में तो मुझे इतना व्हीकल वगैरह इतना पसंद नहीं है, बट वो चीज़ जो मैंने देखी ना तो बावरा हो गया मैं। और यहाँ से व्यू देख सकते हो आप बाहर का, ये लिफ्ट है आई गेस, इतनी बड़ी लिफ्ट होंगे, इतनी शांति है बाहर बहुत। और यहाँ पे इतनी शांति है ना, मैं ऐसा बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़ोर से बोलूँगा तो सब आ जाएंगे, भैया ऐसा मत करो सब। यहाँ पे भी शूट करने मना किया मेरे को गार्ड को पूछा अंदर शूट करना अलाउड है, वो बोला हाँ अलाउड है। फिर थोड़ा सा अंदर आया, अंदर गया तो बोलता है कि सर आप शूट नहीं कर सकते। मैंने बोला गार्ड ने तो बोला तो बोलता है बट यहाँ आप शूट नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ शूट करने मिलेगा कहाँ पे नहीं जो भी है मुझे पता नहीं, बट जितना मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज़ थोड़ा कुछ भी चीज़ अगर मेरे से गलती हो जाए तो उसको दिल पे मत लेना। अभी मैं यहाँ का आपको शूट करके दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं। चल
ऑफिस हो गाइस, जिसने ये मतलब पूरा जो ये रूम बनाया हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स हैं यहाँ पे। आप स्टॉप करके पॉज करके आप देख सकते हो। मैं उनका फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, उनका फ़ोटो भी यहाँ बना हुआ है। तो ये बंदी है जिनने ये पूरा रूम बनाया है, यहाँ की नहीं है, बाहर की है कहीं की। बहुत क्लासी रूम था गाइस, मेरे को तो ऐसा लग रहा था मैं कहीं टकरा बकरा ना जाऊँ। और व्यू चेक कर सकते हो आप, डूड व्यू देखो। और नीचे का भी एरिया बहुत सॉर्टेड है, देखो ये दिख रहा है, देखो एक पता नहीं है ये बनाया हुआ है ये। अब यहाँ कैसे जाना है, यहाँ पे एक्चुअली मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्या है, कैसा है, कैसा नहीं। ओके सो गाइस, मैं इन्फिनिटी रूम में जाके आ चुका हूँ एंड आपने देख लिया रहेगा, बहुत कम टाइम मिला, आई गेस 5 मिनट का टाइम था खाली। एंड आई डोंट थिंक सो कि 5 मिनट इतना जल्दी पूरा हुआ जितना जल्दी इन्हें हमको निकाल दिया। बट जो भी जैसा भी है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा। अंदर मतलब खुलते ही ना डूड, ऐसे आँखें पूरी चौंधिया आ गई। क्या समझ रहे हो मैं आपको मतलब पूरी नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। मैं बोलूँ ना कि एक बार तो आना ही चाहिए, 5 मिनट का टाइम है, ज़्यादा है भी नहीं, एक बार आना चाहिए, देखने लायक है भाई एग्जिबिट, मतलब ये जो इन्फिनिटी रूम है देखने लायक है, मस्त। ऐसा लगता है दूर दूर तक खाली खाली है, पूरे एक्सप्लेन वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकता उस चीज़ को, आपको आके ही देखना पड़ेगा। 100 रुपीज़ इसका टिकट चार्ज है, बुक माई शो पे इसकी टिकट बुक हो जाती है। एंड आपको बुक माई शो से टिकट बुक करनी है, यहाँ पे आना है एंड आपका बैग यहाँ पे कैरी कर ले, बैग यहाँ पे इन लोग रख लेते हैं अपने पास एंड आपको एक कार्ड दे रहे थे। देन स्लॉट में जाते हैं, चार पाँच जन ऐसे कुछ जाते हैं अंदर एंड 5 मिनट के बाद यहाँ से आपको अंदर भेजेंगे, वहाँ से आपको बाहर निकाल देंगे। तो जो भी जैसा भी है, बहुत सॉर्टेड एक्सपीरियंस था। एंड अभी देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या दिखाने लगे। यहाँ पे मुझे एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा खाली खाली है, सब जगह पूरा खाली है एंड गाइड करने वाला कोई नहीं। ऐसा लग रहा है किसी 5-स्टार होटल में आ गया हूँ मैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कुछ भी, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं, कहाँ का शूट कर सकते हैं, कहाँ का नहीं कर सकते, कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है। तो देखते हैं अभी और कुछ यहाँ पे दिखाने लायक मिला, कुछ शूट करने मिला तो देखते हैं। क्योंकि कैसा ना कि अकेले में थोड़ा सा वो होता है यार, मतलब इतनी बड़ी जगह पे आके आप अकेले शूट करो तो थोड़ा सा अजीब लगता है, तो वही हिसाब है। लिफ्ट ऐसा है कि बल ऐसा, हमारा बेडरूम होता है ना, ये मेरे बेडरूम जितना बड़ा, तो लिफ्ट है, लिफ्ट भी कितने प्रीमियम है गाइस, देखो। अरे बाप रे, कौन से फ्लोर पे, मुझे ग्राउंड पे जाना है। सो गाइस, कोई लोग आ गए थे तो मैं शूट नहीं कर पाया, ये लिफ्ट चलती है पता भी नहीं चलती यार, इतनी फास्ट पहुँचा देती है। देखो मैं P2 पे आ गया हूँ यार, ये ऐसा है तो अंबानी का घर कैसा होगा, भगवान जाने। चलो बाहर, सो गाइस अभी हम निकल, मतलब मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, मतलब मैं अपने आपको हम बोलता हूँ तो गलत फहमी में मत ले जाना। तो बहुत बड़ा था वर्ल्ड ड्राइव नहीं, ये नीता अंबानी समथिंग कुछ, अरे बाप रे गाड़ी आ रही है, यहीं ना पार्क कर दे। तो ये नीता अंबानी समथिंग कुछ कुछ तो है, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ क्या है ये। बाकी बहुत बड़ा था ये देखने के लिए, तो इतनी सारी चीज़ें शूट करने के लिए, आपको लिफ्ट भी दिखाया, लिफ्ट भी कितनी प्रीमियम, बहुत क्लासी जगह थी यार। यहाँ पे जब वो एग्जीबिशन लगा था ना, वो एग्जीबिशन में मुझे आना चाहिए था बट वो आ नहीं पाया मैं, वो बोलते ना कि नहीं रहता नसीब में तो नहीं आ पाया। बाकी क्लासी जगह है यार, यहाँ पे मैं इतने प्रॉपरली नहीं शूट कर पा रहा हूँ, इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ ना मैं कैमरे के साथ, तो उस वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें बताने लायक, जो बताने वाली चीज़ें ना, वो बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कंफर्टेबल इतना हूँ नहीं मैं कैमरे के साथ। तो इतनी बहुत सारी चीज़ें ना कि अगर मैं वो समझो मैंने कुछ देख लिया और मुझे बताना हो एंड मैं वहाँ पर शूट नहीं कर पाया ना, तो फिर वो चीज़ भूल जाता हूँ मैं कि यार हाँ ये भी देखा था, वो भी देखा था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए यहाँ पे, वर्बली तो नहीं समझा पाऊँगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे आके तो ही, या तो मैं आपको घर पे जाके, घर पे क्योंकि अभी मैं यहाँ से शूट कर रहा हूँ तो अंदर से इतने सारे लोग देख रहे हैं मेरे को, देखो यहाँ पे इतने सारे लोग अंदर से देख रहे हैं, सिक्योरिटी पूरा, क्या बताऊँ मैं। बहुत क्लासी जगह है, बहुत क्लासी, एक बार विजिट करना चाहिए, अगर लग्जूरियस एक्सपीरियंस ही है ना तो यहाँ पे एक बार विजिट करना चाहिए।
मैं वो अंदर टिकट विकेट तो कुछ लिया पूछा नहीं, आप नॉर्मल विदाउट टिकट भी आ सकते हो आई गेस, क्योंकि मुझे टिकट तो पूछा नहीं, क्योंकि मुझे मेरे पास वो उसका अब इन्फिनिटी रूम का टिकट था, तो मेरे को और कुछ पूछा नहीं नीचे, खाली बोला कहाँ जाना है, बोला इन्फिनिटी रूम, बोला ठीक है जाओ, और अंदर भी कुछ टिकट विकेट पूछते नहीं, आपको जहाँ जाना है खाली उसी का टिकट दिखाना है आपको, बाकी और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे रात में तो कुछ अलग ही नज़ारा होता रहेगा यहाँ का, डूड इतने बड़े होटल में पहली बार ही आया हूँ, पहली बार, इससे पहले कभी नहीं। तो अभी निकलते बाहर कुछ खाते पीते, फिर उसके बाद सीधा घर के लिए निकलते। तो गाइस ये है एरिया, आप मेरे बैक साइड चेकआउट कर सकते हो कितना खाली है। मैं आपको सीधा सीधा ये दिखा देता हूँ कि क्या नाम है बिल्डिंग का और क्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे तो कैसा ना कि मुझे एक मेरे फ्रेंड ने मेरे को उस पर इंस्टाग्राम पे भेजा, देन उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे देख लिया, एंड देन क्या बिल्डिंग का क्या नाम है क्या नहीं पता नहीं, मैं खाली वो NS समथिंग कुछ NSA कुछ तो है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है, NSBC ऐसे समथिंग कुछ ऐसा है, BKC पे BKC में है ये एक्चुअली, और जियो वर्ल्ड ड्राइव से कनेक्टेड है ऐसे कुछ। मैं दिखा देता हूँ यार आपको, यहाँ पे बैनर मारा हुआ था जब मैं आया था, तो मैं शूट करके दिखाया आपको, मैंने गूगल किया एंड मैंने ऑटो वाले को बताया कि भैया यहाँ चलना है, आप लेके चलोगे, तो तीन चार ऑटो वाले ने मना किया, फिर एक बोला हाँ ठीक है आप गूगल पे बता दो आपको रास्ता पता है, मैं बोला हाँ ठीक है चलो मैं गूगल से बताता हूँ लेके चलो, तो यहाँ तक आया हूँ मैं। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक बड़ा सा ना एक मारा था यार यहाँ पे NSBC समथिंग NSTBC CCBC ऐसे कुछ समथिंग, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ आपको एक सेकंड रुको। अच्छा हाँ ये देखो 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 देखो, अब यहाँ से देख लो, यहाँ से आपको दिख रहा हो तो एक मिनट दिखा दूँ मैं आपको, NMACCC नीता मुकेश, अरे बाप रे, नीता मुकेश अंबानी समथिंग ऐसा सेंटर ऐसे कुछ है, तो एक सेकंड होगा, मेरे को इससे बुला लिया, मना कर दे मैं मिल के आता हूँ, क्या देखे आपके, हाँ ओके। तो गाइस जस्ट घर आया हूँ एंड बस आया ही हूँ एंड शूट चालू किया, आईपैड को लगा चार्जिंग बैंड, शूट चालू किया, इतना ज़्यादा रश था ट्रेन में, कैसे कैसे करके मैं आया हूँ, थाना ट्रेन पकड़ा था फिर भी उसमें भी रश, एंड मेट्रो में तो बाबा मत ही बोलो कि क्या हालत था मेट्रो में, तो वही चीज़ है। तो अभी फाइनली घर आ गया हूँ एंड अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, देन उसके बाद वीडियो तो अपलोडिंग पे लगा दिया था, एंड बताते हैं आगे का सिस्टम क्या है। पहले जो तीने साबूदाना का खिचड़ी खराब किया है आज, और भी कुछ खराब करने जा रही है, ये आलू खराब करने जा रही है, और ये क्या है जी, नहीं बोल तू बोल अभी, ये आलू और धनिया, धनिया तू मार रे साले का, खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले, धनिया का तेरी तो हेलो। तो गाइस बत्ती का टाइम हो रहा है एंड लाइट चली गई है, प्रॉपर 7 बज रहे हैं, टाइम देखो आप, एंड लाइट गायब, ज्योति कर रही है पूजा, और लाइट, अरे हमको जान दो, देखो अंधेरा, अरे हट आइए अंधेरा, और हमारे बिल्डिंग के जाग गए हैं, क्या बताएं अभी देख रहे हो क्या बोले, आईपैड को लगाया था चार्जिंग पे, वीडियो चालू पे, वीडियो अभी जस्ट लाइव हुई थी एंड मैं जस्ट वीडियो ही चेक कर रहा था एंड लाइट चली गई, अभी वेट करते हैं कब तक आएगी लाइट, क्या है सीन क्या नहीं। Oh my God! देख रहे हो आपने देखा, लाइव देखा आपने, लाइट आएगी तो लाइट आनी चाहिए भाई, लाइट आएगी ही फिर, सन्नी राणा ब्लॉग्स का जुबान है भाई। तो गाइस मेरे को एक चीज़ शेयर करनी थी आपसे, तो जब मैं वहाँ से निकला नीता अंबानी समथिंग कुछ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, उसका NMACCC से जब मैं निकला, तो मैं शूट करते हुए नॉर्मली बाहर निकल रहा था, तो मुझे वहाँ के एक गार्ड था, तो वो गार्ड ने मुझे रोका कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो मैंने वो वाला पार्ट मैंने काट दिया, वो मैं पीछे डाल दूंगा एंड में छोटा सा पार्ट डाल दूंगा, तो वो मेरे को बोल रहा था कि आप यहाँ पे शूट नहीं कर सकते, ये पूरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ऐसा वैसा देखो यहाँ पे शूट नहीं कर सकते आप, ये वो फलाना ढूंढाना, तो वो मैं शायद डाल दूंगा या तो पीछे या तो नहीं डालूंगा, क्योंकि ऐसा एक पार्ट डाल दूंगा जहाँ तक मेरे को लगेगा कि हाँ यहाँ तक के सेफ है, यहाँ तक मैं डाल सकता हूँ, तो वहाँ तक डाल दूंगा, उसके बाद क्या नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कोई भी मेरे चैनल पर कोई भी अंडरस्टैंडिंग कुछ भी चीज़ है,
खाली मैं आपको आपको दिखाने के लिए कि वहाँ पे हुआ क्या था वो मैं डाल दूंगा, क्योंकि वहाँ पे कैसा ना मैं शूट करते हुए आ रहा था, देन उसके बाद मैं NMACC का जो मैंने बोर्ड दिखाया तो मेरे को यहाँ से कहा था गाड़ी की फिर भी सीटी बजाया, उसने बोलता इधर आओ, मैंने कैमरा ही नहीं बंद किया था उस टाइम पे, तो बोलता है कि यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं, आप कैमरा बंद कर दो, ये कुछ है फलाना ढिमकाना एरिया है ये, इसकी वजह से शूट नहीं कर सकते उसने कुछ रीकन समथिंग कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है उस टाइम पे, थोड़ा सा मैं वो मतलब मैं बोला कि शूट नहीं कर सकते ऐसा वैसा, तो मैं लास्ट में डाल दूंगा या तो मैंने आगे भी डाल दिया रहेगा, एडिटिंग करूंगा जब समझ में आएगा मेरे को, तो मैंने डाल दिया है नहीं डाला है क्या है क्या नहीं, बट जो वॉच जब मेरे को गार्ड बुलाया था गार्ड से मेरा क्या कॉन्वर्सेशन हुआ तो वहाँ पर पीछे डाल दूंगा एंड में, तो आप देख लेना। ओके सो गाइस, मैं थोड़ा सा लेट गया था शूट करने के बाद, वीडियो वगैरह अपलोड करने के बाद थोड़ा सा लेट गया था, उसके बाद उठा दैन थोड़ी सी भूख लग रही थी तो बाहर गया सैंडविच वगैरह ले गया, दैन सैंडविच वगैरह ही एज एन डिनर कर लिया हमने, एंड बस थोड़ा सा नीचे वॉक वगैरह किया एंड बस मतलब दिन आज का इतना ही, बस मैं वीडियो एंड ही करने जा रहा था, तो इतना ही ब्लॉग था, इतना ही जो छोटा सा जो हमारा ब्लॉग था जो हमारा दिन था आज का प्लान वो यही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वो जो मैंने इन्फिनिटी रूम आपको दिखा है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा, ब्लॉग को एंड करते गाइस सीधा सीधा, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण बाय। सनी राणा ब्लॉग्स शूट करना अलाउड नहीं, ओके सॉरी, मैं ये खाली ये नीता अंबानी वो जो लगा देख, अच्छा वो एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं ना कहीं तो आप कितना फोटो निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं।